अब हम जा रहे हैं इमरजेंसी ओटी के अंदर, जहाँ अभी एक एलएसएस केस की तैयारी होने वाली है। यह है हमारी इमरजेंसी ओटी। ये है रिया पुनेटा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिला तिवारी हॉस्पिटल के अंदर हैं। मेरी ड्यूटी इमरजेंसी ओटी में लगी हुई है। तो यहाँ आज हम इमरजेंसी ओटी के अंदर एक केस कंडक्ट कराने वाले हैं, जो है एलएससीएस, जिसको हम कहते हैं लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, जिसमें लोअर जो सेगमेंट होता है यूट्रस का, उसमें कट करके बेबी को आउट किया जाता है, जिसको हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा इमरजेंसी ओटी है, और यहाँ पे ये देखिए ओटी टेबल है, यहाँ पे केस कंडक्ट कराया जाता है। ये हेड डाइस है, और ये है हमारी बॉयस मशीन, जिसको हम एनेस्थीसिया मशीन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा एलएससीएस सेट होता है। अब इसको खोलने की टेक्निक होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सारे एलएससीएस में यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए, अब हम एलएससीएस सेट को खोलेंगे। इस सेट को खोलने का एक तरीका होता है, इसको स्टराइल टेक्निक से खोलना होता है। ठीक है, इसको हमने आउट कर दिया। ये देखिए हम ऐसे खोलेंगे, ताकि अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स को हम टच ना कर सकें। ये देखिए अभी हमारी आती है किडनी ट्रे। अब हम इसको सेट करके लगाएंगे। देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे लगाएंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले इसमें हम रखेंगे आर्टरीज। तो एलएससीएस केस होता है, तो उसमें हम टोटल 6 आर्टरीज को रखते हैं। ठीक है, ये देखिए आर्टरीज का शेप, देखिए आर्टरीज, ये छोटी आर्टरी है, ये बड़ी आर्टरी है। इसका काम क्या होता है, क्लैंप करना। ये जो है इसको हम कहते हैं एलिस फॉर्सेप, एलिस। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखती है। टोटल हमारी जो एलिस होती है वो हमारी होती है छः। ये देखिए ये हमारी एलिस फॉर्सेप, छः हमने यहाँ पे लगाई है। ये हमारी आर्टरी फॉर्सेप, ये है हमारा निडल होल्डर, इसको हम कहते हैं इन आर्मिटेज। इस इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, जब ब्लड आता है, ब्लड को रोकने का काम करता है, हीमोस्टेसिस का काम करता है एज अ क्लैंप। ये हमारी बैबकॉक फॉर्सेप, बैबकॉक कुछ इस तरह से दिखती है। बोल, ये जो हमारा बैबकॉक फॉर्सेप है, ये हमारा लाइगेशन, जब ट्यूबल लाइगेशन किया जाता है ना, तो उसमें जो हमारा लाइगेशन वाला जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, जो कट करके आता है, उसको हम इसे होल्ड करके बायोप्सी के लिए डाल देते हैं। ये हमारा स्पंज होल्डर, इससे हम जब हमारा ऑपरेशन होता है, तो उससे पहले जब हमारी क्लीनिंग होती है, पूरे एब्डोमिनल क्लीनिंग की जाती है, उस दौरान स्पंज से इसको होल्ड करके पूरा क्लीन किया जाता है एब्डोमिन। ये हमारी फोर्सेप, इसमें टूथ नहीं है, इसको फोर्सेप कहेंगे। दूसरी आती है टूथ फोर्सेप, ये वाली टूथ फोर्सेप क्यों, क्योंकि इसमें टीथ जैसा दिख रहा है, ये नॉन टूथ फोर्सेप है, ये टूथ फोर्सेप है। ठीक है, दो हमारी आती हैं टूथ फोर्सेप, ये हमारी आती है टूथ फोर्सेप, ये हमारी आती है कॉटरी फोर्सेप, इसको हम कॉटरी फोर्सेप कहते हैं। ठीक है, हम अभी ट्रे बना रहे हैं, तो अब इसमें दो चीज़ें और ऐड की जाएंगी, एक तो ब्लेड, ये देखिए स्टराइल टेक्निक से खोलना है। ये ब्लेड हमने रख दी किडनी ट्रे में, देखिए अंदर हाँ ठीक है। ये हमने ब्लेड रखी है कौन से नंबर की, 23 नंबर की। ठीक है, ये हमारा डिविड्स रिट्रैक्टर, इसको हम क्या करते हैं, एज अ रिट्रैक्टर की तरह काम करता है। जब हमारा एब्डोमिनल कट किया जाता है, तो इसको अंडर इंसर्ट किया जाता है, ताकि जो एब्डोमिन है पूरा रिट्रैक्ट हो जाए और बेबी इजीली आउट हो जाए। ये दो होते हैं। अब एक चीज़ और आती है इसमें, वो आती है हमारी सक्शन, सक्शन पाइप का यूज़ किया जाता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम बाद में देख लेंगे उसे। ठीक है, सक्शन पाइप, जो हमारा सक्शन पाइप दे देती तो ठीक होता, ये हमारा सक्शन पाइप, इसका काम क्या होता है, जब हमारा एब्डोमिनल कट किया जाता है लोअर सेक्शन में, तो ये जो सक्शन पाइप है, अब इसको मैं खोल नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी जब केस आएगा तब खुला जाता है। इसको क्या करते हैं, सक्शन की तरह काम करता है। जब एब्डोमिन कट होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करता है, सक्शन मशीन के साथ इसे कनेक्ट किया जाता है, तो सारा फ्लूइड जितना होता है, वो सारा सक्शन मशीन में ये आउट कर देता है। इसका काम होता है, सारा जो फ्लूइड है, आइदर इट इज़ ब्लड और एमनियोटिक फ्लूइड, उसको हम क्या कहते हैं, सक्शन पाइप के थ्रू आउट करते हैं फीमेल के एब्डोमिन से। अब हमारी आती है सीजर, एक सीजर भी होती है, एक इसमें बीपी हैंडल भी होता है। ठीक है, बीपी हैंडल मतलब बार्ट पार्कर हैंडल, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लेड को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और इस इंसर्ट करके एज अ स्कैलपल की तरह काम करता है, और इससे कट किया जाता है एब्डोमेन किसका, फीमेल का। ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है डॉइंस रिट्रैक्टर, जिसे मैंने आपको बताया था कि डेविड्स रिट्रैक्टर, उसी तरह से ये हमारा डॉइंस रिट्रैक्टर, इसका काम भी क्या होता है,
रिट्रैक्ट करना, जो स्किन है उसको इंसर्ट, स्किन के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है जहाँ पे कट है उसको, इससे क्या किया जाता है ऐसे रिट्रैक्ट किया जाता है स्किन को ताकि बेबी इजीली आउट हो जाए, ठीक है। अब इसमें आते हैं हमारे सूचर्स, सबसे मेन चीज़ होती है सूचर्स। इसमें देखो जब भी हम फीमेल का क्या करते हैं, सबसे पहले एब्डोमेन कट किया जाता है, स्किन कट की जाती है, हमारा सब म्यूकोसा कट किया जाता है, उसके बाद हमारी जो एब्डोमेन की कौन सी आती है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल आती है, उसको कट किया जाता है। उसको कट करने के बाद हमारी, जब तक हमारा जो एब्डोमेन है वो पूरा अंदर से दिखना जाए तब तक कट प्रोसेस में किया जाता है। सबसे पहले स्किन कट की, सब म्यूकोसा कट किया, उसके बाद हमने रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कट किया, उसके बाद हमारा जब एक्सपोज हो जाती है स्किन अंदर की, उसके बाद जब हमें यूट्रस दिखने लग जाता है तो जाके हम यूट्रस में कट करते हैं। पहले एक्सपोज कर लिया एब्डोमिनल कैविटी को, उसके बाद यूट्रस को एक्सपोज किया, आर्टरी फोर्सेप की हेल्प से हम क्या करते हैं, पकड़ेंगे, किसे पकड़ेंगे, यूट्रस को, उसके बाद उसे कौन से तरीके से, क्लासिकल तरीके से उसको कट किया जाता है। उस यूट्रस को कट करने के बाद हाथ इंसर्ट करके बेबी को ईजिली आउट किया जा सकता है। अब बारी आती है हमारे सूचर्स को, सूचर्स के थ्रू एब्डोमिन को क्लोज करने की। सबसे मेन काम है सूचर्स का, सूचर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं बट जो यहाँ इस हॉस्पिटल की पॉलिसीज में यूज़ किया जाता है मैं वही बताऊँगी। पहला सूचर है हमारा, एक होता है एब्जॉर्बेबल, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल, और भी बहुत सारे सूचर्स होते हैं बट मैं आपको यही बताऊँगी। एब्जॉर्बेबल क्या होगा, कट हो जाए मतलब एक बार अगर हमने एक्सपोज अंदर पूरा बंद कर लिया तो जाके हम कट तो नहीं करेंगे। तो पहला सूचर ये है, हम कहते हैं वाइट्रल ट्यूब, इसमें डबल नीडल्स होती हैं। उसके बाद ये आता है हमारा, इसको हम एथिलॉन कहते हैं, इस वाले सूचर को एथिलॉन बोला जाता है, ठीक है। अभी हमारा फोर्थ सूचर जो है इसको हम कहते हैं क्रोमिक कैटगट सूचर, मेनली इसका यूज़ लाइगेशन के दौरान किया जाता है, ठीक है। अब ये जो दो सूचर हैं ये हमारे यूट्रस में लगाए जाते हैं, ये दोनों सूचर जो होते हैं ये होते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर, जो खुद ही डिसॉल्व हो जाते हैं एब्डोमिन कैविटी के अंदर, ठीक है। ये होता है नॉन एब्जॉर्बेबल, इसको हम लगाते हैं स्किन में, स्किन में लगाते हैं तो आफ्टर 8 to 10 days इस सूचर को कट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्किन। तो आज आपने देखा इंस्ट्रूमेंट्स का, कैसे हम LSCS में इंस्ट्रूमेंट्स को खोलते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं, आज हमने इसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।